हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइयो, बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी भाई अपना 82-88 पे भी ड्राइवर आ गया और ये अपनी लोड गाड़ी, इसका मनोज भाई काम कर रहे हैं। एक अपने को प्रेशर पाइप इसका चेंज करने का था, तो अभी मनोज भाई सबसे पहले इसका प्रेशर का पाइप चेंज कर रहे हैं, फिर बाद में इनको भेजना है उधर। अपनी गाड़ी लगी है हब ग्रीसिंग पे और ये वाली गाड़ी का अपनी का एक टायर पंचर था, तो अभी टायर खोल के इसको छुट्टा करके गाड़ी को भेजना है अपने को। पंचर लगवा के ना इसका अपना छोटा मोटा काम है इस गाड़ी के अंदर। अपने को एक ना सबसे पहले इसके बैलेंस राड जो है ना गाड़ी की, ये 6 की 6 बैलेंस राड के बुश खत्म हो गए। खत्म कैसे कि ये टायर गाड़ी को मैंने नया लगाया था, पर ये गाड़ी ना टायर दबा रही है, तो अपने को ये 4 बैलेंस राड जो पीछे की चारों के बुश अपने को चेंज करने पड़ेंगे। तो एक बार क्या है, देखो अभी आया ड्राइवर नया, दूसरा ड्राइवर बेचारा गाड़ी लेके जाएगा, तो अपने को गाड़ी ऐसी करके भेजने का एकदम कंप्लीट कि अपने को परेशानी ना आए। अभी मैंने इस गाड़ी के अंदर इतना खर्चा कर दिया, बहुत ज़्यादा वायरिंग का काम छोटा मोटा सब मिला के पूरा किया काम इस गाड़ी का, और जिस ड्राइवर ने काम करवाया वो ड्राइवर दारू पी के सीट के ऊपर चढ़ के डांस कर रहा था, तो उसको कहाँ से गाड़ी दे देते, इसलिए उसको उतार दिया। भाई अपने को दारू पीने वाले को गाड़ी देने का ही नहीं, दारू पीने वाले ने ये हाल किए। देखो ये देखा ही होगा कैसे रबड़े कट गई है, टायर कैसे खराब हो गए। अभी ये जो घोड़ा है अपना, ये नया घोड़ा है, इसके अंदर क्या है, जो 1020 के टायर आते हैं ना, 295 के, वो हम लोग निकाल के 1120 के टायर डाल रहे हैं। अभी अपन लोग जो टायर डाले ना वो डाले अपोलो के, पीछे में डाल रहे हैं अपोलो, आगे में जेके, मतलब सब गाड़ियों में यही डाल रहे हैं, पीछे अपोलो आगे जेके। पीछे जेके इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि JD++ का जो टायर आता है ना 1120 का, वो इतना चलता नहीं है, रनिंग नहीं देता इतना। तो अभी मैं इसके सारे के सारे डिस्क लेके जा रहा हूँ लाद के, कटिंग करवाने के लिए, मतलब चेक करवाने के लिए, क्योंकि क्या है नई गाड़ी है, कोई भी डिस्क बैंड हुआ टायर गाड़ी दबा जाती है, तो अपना व्हील प्लेट चेक हो जाती है ना, तो पहली शंका ख़त्म हो जाती है, कहीं भी कंपनी में अलाइनमेंट के लिए गाड़ी जाएगी या टायर दबाने की प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी कंपनी में जाएगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने व्हील प्लेट चेक करवाई है और व्हील प्लेट सही है, उसकी रिपोर्ट अजगर अपने को देता है बना के, तो वो रिपोर्ट उसको भेज सकते हैं। तो इस वजह से नई गाड़ी की व्हील प्लेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जा रहा हूँ रनोली डिक्स लेके, एक तो डिक्स देने अजगर को, अजगर चेक करके कट करके अपने को दे देगा। पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी गाड़ी नई है ना, एकदम नई गाड़ी है पेटी पैक, और आप उसकी व्हील प्लेट चेक करवा रहे हो नई गाड़ी की मतलब व्हील प्लेट चेक करवा रहे हो, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि व्हील प्लेट को कभी कट मत करवाना। मतलब जैसे मतलब कट मार देते ना कि चलो थोड़ा बैंड है कट मार दो, अगर उसे व्हील प्लेट को कट मार दिया ना, अगर मतलब थोड़ा सा भी कट मार दिया तो व्हील प्लेट की वारंटी खत्म हो जाती है। जो लेलैंड टाटा ये सब व्हील प्लेट की जो वारंटी देते हैं ना, वो आती है 2 साल, ठीक है। अगर ये MM के हिसाब से, आउट के हिसाब से वारंटी होती है, जैसे मतलब अपना 5 MM आउट है तो वो लोग व्हील प्लेट अपने को नया देंगे, 4 भी आउट है तो भी नया देंगे, एक एम एम तक वो लोग नहीं चेंज करते, क्योंकि 1 MM तो बहुत मामूली चीज होगी, बहुत आसानी से, मतलब वो रास्ते इतने खराब है अपने इंडिया के, मानते हो रास्ते खराब होने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मामला, पर अगर उससे ज्यादा आउट है तो कट मरवाओ ही मत। अगर मेरी राय मानो तो एक, अगर आप व्हील प्लेट चेक करवा रहे हो तो कट कभी मत मरवाओ, नहीं तो कंपनी रिप्लेसमेंट नहीं करती। आप मानो 70,000 जो टायरों की वारंटी होती है वो 70,000 होती है, 70,000 किलोमीटर या फिर 2 साल वारंटी होती है व्हील प्लेट की, टाटा में भी होती है और अपना भारत बैंज, लेलैंड, महिंद्रा, इन सब में होती है, तो अपने को रिप्लेसमेंट में नया में मिल जाता है। भाई पहली व्हील प्लेट अपनी लग चुकी है, अभी अजगर चेक कर रहा है व्हील प्लेट, ऐसे पता लगता है कि आउट है कि नहीं है, एकदम बराबर है और गोल कंप्लीट है। चलो ऐसे पता लगता है भाई व्हील प्लेट अपनी ओके, मतलब ये व्हील प्लेट ओके। बंद कर अब, रनौली से सामान लेके निकल गए, अजगर की गैरी से व्हील प्लेट भी उठा ली पूरी, मतलब अपनी पूरी गाड़ी की व्हील प्लेट सब सही है, 7 व्हील प्लेट सातों की सातों एकदम सही है, और जो नई वाली गाड़ी का जो सामान लेना था, जैक टामी सब कुछ छोटा मोटा जितना सामान था वो लेना था, वो सामान भी उसका ले लिया, क्योंकि उसका ड्राइवर आ गया ना तो उसको सामान पूरा ही दे देंगे। आ गया बंदा इसका बैलेंस राड का खोलने के लिए, खोलता ही ओए
ओहो मैनेजर साहब आए भाई, मैनेजर साहब आए हुए हैं। छोटा मोटा आदमी अपनी गाड़ी का काम करने नहीं आता भाई, बड़ा आदमी आता है। मैनेजर साहब आए हुए हैं काम करने के लिए अपनी गाड़ी का, कोई बात नहीं। मैनेजर साहब, ये हाल है, ड्राइवरों के टायर ही फटेंगे। अभी वो टायर वो टांग रखा है उधर, और ये टायर स्टपनी वाला इधर लगा रखा है, तो टायर फटेगा ही। ये हाल है, बताओ, जहाँ जो चल रहा है चलने दो, उड़ता है उड़ जाए, फटता है फट जाए, अपने बाप का क्या जाता है वो हिसाब है। मतलब आदमी कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। ऐसे ड्राइवर हैं भाई, जो टायर यहाँ टांग रखा है और वो टायर वहाँ लगा रखा है स्टपनी वाला। चला गया, रुक जा, फोन करके बोलता ना, रास्ते में करेगा अपने आप। ये हाल है। लो भाई, अभी अपने ट्राले के बुश इन्होंने खोल दिए, अभी अपने को घोड़ा भेज रहे हैं इनके गैरेज पे। एक तो क्या है, अपने घोड़े के बुश ख़त्म हो गए, कछुए के जो बुश है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए, और दूसरा अपने को करवाना है इसका पाटे दे पैर। अभी चलते हैं रनौली सामान लेने के लिए। सामान क्या, मतलब नई वाली गाड़ी को तो पूरा दे दिया, और अपनी जो महिंद्रा वाली गाड़ी जो काम के लिए भेजी है उसके बुश लेके आने रनौली से, और पिन विन और कछुए के भी लेके आने बुश, तो वो भी ले आते हैं। और उसको सेफ्टी का भी सामान देना है, वो सारा सामान एक बार ले आते हैं, और पूरा सामान दे दा के फिर, मतलब वो गाड़ी को मतलब सामान दे दिया ना, तो फिर अपना मतलब सारा काम खत्म हो जाएगा पूरा। मतलब के सब गाड़ी लाइन अप हो जाती है एक बार, तो सामान दे देते हैं ना, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मिस्त्री को काम बता दिया, सामान दे दिया, आगे का कार्यवाही उसका है, उसने काम करना है, बस अपने को जाके चेक करना है। जब हम काम कराने का ये नियम भी सबसे अलग होता है कि जैसे कि मतलब हमने किसी को मिस्त्री को काम बताया, हमने काम बता दिया, फिर मिस्त्री को सामान ला दिया, सामान लाने के बाद लाइनअप हो जाता है काम, मतलब भाई तू काम कर, सामान ला दिया, फिर अपने को खाली चक्कर मारना है, देखना है कि उसने काम कैसा किया है, ठीक किया है। और दूसरा भाई सबसे बड़ी चीज क्या, मिस्त्री में डर होना चाहिए। डर किस चीज का, कि काम अगर गलत करूंगा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरा काम छोड़ देंगे। और डर कैसे आएगा, डर आएगा पैसे से, और पैसे से ऐसे कि हम किसी आदमी को काम दे रहे हैं, उसको मानो वो पाटे का काम करता है, हमने उसको पाटे का काम पूरा दे दिया, तो पूरा दे दिया, समय पे पैसा दे रहे हैं उसको, मानो 20,000 25,000 30,000 का बंदा काम कर रहा है और टाइम पे पैसा जा रहा है, एक तारीख हो गई और महीना खत्म, पैसा सीधा उसके पास, चेक उसके हाथ में या उसके खाते में ट्रांसफर, तो आदमी को डर रहता है कि यार मैं हर महीना खत्म होता है, पैसा मिल जाता है, तो अगर काम गलत करूंगा तो ये पैसा अपना काट लेंगे, पैसा काट लेंगे, काम बंद कर देंगे, तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, और आदमी के मन में डर रहता है, समझे बात। तो हमेशा पैसा टाइम पे दो, किसी भी वर्कर का काम करवाओ, किसी भी मिस्त्री से काम कराओ, किसी हेल्पर से काम करवाओ, मजदूर आदमी का पैसा समय खत्म होने से पहले उसको दे दो, तो भाई वो 10 जगह आदमी हाथ जो, मतलब ऐसा है कि फिर वो काम भी अच्छा करेगा और मेहनत से करेगा। ये मतलब पुराने बुढ़े अपने कहते हैं किसानियों में, कि किसी आदमी से मजदूरी करवाते हो ना, तो भाई उसके मजदूर का पैसा उसका काम खत्म होने से पहले उसके हाथ हथेली में रख दो, तो आदमी खुश हो जाएगा और 10 आदमी को बताएगा कि भाई उस आदमी का काम करो, वो आदमी टाइम पे पैसा देता है, बिल्कुल मतलब काम खत्म और पैसा सीधा उसके पास, समझे। और हक खाओ, हराम का मत खाओ, हक का ही खाओ। तो चलो भाई पहले रनौली जाके सामान ले आते हैं फटाफट, फिर भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं। क्योंकि मेरा काम ना, मैं भाई अपना नियम है पूरा कानून एकदम सख्त, के दोपहर 1 बजे तक ना मैं पूरी गाड़ियां लगा के कंप्लीट करके खुलवा उलवा के दोपहर में, अभी मैं उनको सामान ला के सबको दे दूंगा, और फिर मैं 2 घंटे फ्री, जब वो काम खत्म मतलब फिटिंग कर देंगे, फिटिंग विटिंग करके रेडी करेंगे, तब मैं जाके चेक कर लूंगा, हाँ भाई क्या क्या काम हुआ, ये हुआ कंप्लीट, और सबको बोल दिया भाई ये गाड़ी शाम को निकलनी है, मतलब निकलनी है, दूसरी तीसरी चीज से अपने को लेना देना नहीं, इस गाड़ी को देना है पाइप, तो यहाँ खड़े होके उसको आवाज मार लेते हैं ड्राइवर को, उसको सामान देना है। लो भाई सुरजीत सेठ के इधर आए थे, सामान ले लिया अब लोगों ने, पूरा 82-88 का गाड़ी का जितना सामान है ना सारा ले लिया, कोई सामान नहीं छोड़ा भाई। ये कूलेंट भी उसको देना है, उसकी गाड़ी में कूलेंट नहीं है, फायर बाटला सेफ्टी का सामान, और ये अपना बुशिंग का सामान है, और जो अपने बुश डालने ना, ये सारा सामान ले लिया है। और अभी चलते हैं सीधा
अपना सोनू की गैरेज पे, वहां पे सामान दे के उसको फिर वहां से जाएंगे खाना खाने। लेट हो गए भाई, 2 बज गए और खाना खाने जाना है। उसके बाद काम भी है अपना छोटा मोटा, वो काम भी देखना है। तो पहले चलते हैं सोनू की गैरेज पे, सीधा सामान दे के और वहां से निकलते हैं खाना खाने। लो भाई, मनोज भाई ने पीछे की 4 हबे तो एकदम कंप्लीट कर दी और आज सुबह से कसम से ड्राइवर की एकदम रेल बनी हुई है। मतलब पहले वो पूरा मजा ले रहा था, उसको मैंने ठंड ठंड में बोला था कि खोल ले, बाद में पूरा दिन परेशान रहेगा, खोल ले निकाल ले। अरे मैं तो ऐसे कर देगा, चुटकी बजा के कर देगा, मैं ऐसे कर देगा। क्यों मनोज भाई, आज तो आज उसको, अरे मेहनत मेरे को लगता थोड़ी देर बाद रोना पड़े कि बोले मैं आया हूँ, मेरी जान छोड़ो तुम लोग। अभी वो कैदे में पता है बात क्या है, वो बोल नहीं सकता था। मैंने उसको जब गाड़ी उतारी थी ना, तब मैंने उसको बोला मैं घोड़ा हवा में है तो तू उसको उतार ले, मतलब टायर निकाल ले सारे, टायर तो करवा दिए ढीले मशीन से, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दे और गाड़ी ऐसे रख देंगे। अरे साहब भाई, मेहनत करने से थोड़ा पीछे हटते हैं, 5 मिनट चुटकी मार के 5 मिनट मैं कैसे, 5 तोला। आज सुबह से रो रहा भी जब बोले मैं तुम लोग फंसा दिए का भाई। अली पहलवान को और अली इंजीनियर को मैंने बुला लिया है किस काम के लिए, क्योंकि भाई इधर के ना 2 टायर का जो मरघाट फूट के अंदर की साइड टायर में जाके लग गया है, तो ये टायर अपने को निकालना है, ये एकदम पेटी पैक टायर। अरे भाई बच गया, कोई नहीं, बच गया टायर। वो काटने का है ये मरघाट, इधर से उधर से बोल्ट काटना है। ठीक, बोल्ट काट दे तो ये मरघाट अपना सही है, एकदम बढ़िया है। इसको निकाल लेंगे, उस गाड़ी में फिट कर देना है मरघाट। ठीक है, वो एक काम करना है और फिर उसके बाद अपने को इधर वाला मरघाट भी ना, ये वाला मरघाट भी निकाल लेना है, ये टायर भी निकालना है, मरघाट भी निकाल लेना है ये वाला। ठीक है, ये वाला मरघाट, ये दोनों मरघाट बहुत महंगे पड़ते हैं टाटा के, बहुत महंगे और बेस्ट मरघाट है ये, बहुत बढ़िया मरघाट है। वो है रिक्शा खड़ा, हाँ, ब्रिज के पास गैस कटर रखा हुआ है, खाली लेने जा रहा हूँ, लेके आके काट देता हूँ। ठीक है, जाके आ जाइए इंजीनियर साहब, ऐसा ना कर देंगे बाहर, वहां जाके सोया ही रहे तू। घन तो ऐसे लेके आया था कि जैसे पर एकदम का नठल्ला आदमी है वो, देख मरघाट उधर ही पड़ा, तेरा पैसा इस बार ना काटा मैंने तो बात रही। ये बहुत बड़ा नठल्ला आदमी है, इसको मैंने आज 10 दिन से बोला हुआ है कि मरघाट हटा दे वहां से, नहीं हटाए। अभी ये यहाँ से अपनी भाई गाड़ी की चेचिस टूट गई, देखो ना अलग होगी, पर कोई बात नहीं, जो होना था ठीक होना था, बढ़िया होना था। ये गाड़ी वैसे भी ख़त्म हो गई थी, इंजन विंजन सब कभी बदल ही दिया, काम ख़त्म हो गया। ये गाड़ियाँ अपनी नहीं है, किसी और की है, ये भी किसी और की है, वो भी किसी और की है, मतलब ये अपने भाई की गाड़ी है, सोपी भाई की 2 गाड़ी, ये अपनी है, ये डीजल वाली किसी और की है, ये अपनी है, ये हमने बेच दी। अभी ड्राइवर ने एक साइड टायर लगा लिया, दूसरी साइड लगाएगा। क्या सोचने लग गया, लो भाई लगा रहा है जैक, उसको खोल उधर की साइड, वो लगाया पत्थर तूने, लगा दिया, एक बार देख लेते हैं, रुक जा। नीचे की साइड पत्थर, एक पत्थर और रख लेता, बाद में फिर जैक लगाना पड़ा तो है, क्या बैठ गया ज्यादा, मतलब इसको और ऊपर उठा के और लगाना पड़ेगा, उठा थोड़ा सा टाइट कर दे उसको, मैं नीचे रख देता हूँ पत्थर, ऊपर उठा इसको, है नहीं इसको क्या है, इतना ऊंचा तो रखें, अगर टायर लगाना पड़े तो जैक, हाँ जैक लगाने की जरूरत ना पड़े, टायर लग जाए सीधा का सीधा, है नहीं, क्योंकि भाई अपने इसके टायर खोल के सारे टायर उसको लगा दिए। अभी इस गाड़ी को टायर लगाने के नहीं लगाने वो सुबह देखेंगे, पर फिलहाल अपने को वो एक जोड़ी निकाल लेंगे ना, तो वो गाड़ी के अंदर क्या है टायर अपने कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो गाड़ी कहीं भेजनी होगी सुबह कैबिन वैबिन के काम के लिए तो भेज देंगे। इसीलिए अभी रात हो गई थी, इसीलिए टायर एक बार दिखा, लाइट दिखा रहा हूँ कि मतलब अभी काम हो जाए, नहीं तो ये अकेला कहाँ कर पाएगा। उठा दे और, हो गया एक पत्थर और रखना पड़ेगा इसके ऊपर, ये रबड़ रखो ना, रबड़ नहीं काम आएगी, उठा उठा और उठा, रुदा पत्थर देखते हैं,
पत्थर रख देंगे ना तो जैक अपना फ्री हो जाएगा, है नहीं? मैं पत्थर देखता हूँ, रुक जा। ये पत्थर आ जाएगा काम। अभी ये पत्थर को ये रबड़ हटा के यहाँ पे लगा देंगे, तो कभी भी अपने को इसमें टायर डालना होगा तो टायर डाल देंगे। तो हो गई थी, अभी बुलाया अपने इलेक्ट्रिशियन को, मिलो। इसके वैसे भी तोते उड़े हुए हैं। क्या हो गया अभी इसको? बोल्ट टूट गया। तो बोल्ट तो निकल जाएगा ना, क्यों निकलेगा तो चढ़ेगा नहीं, तो अंदर बैरिंग गया हुआ है। और स्टार्टर को इसकी समान स्टार्टर का देख लेना अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से, मतलब कोई दिक्कत ना पड़े। और एक काम कर, वो उधर की साइड जो गाड़ी अपनी एक्सीडेंट नहीं खड़ी हरी मुंडी, उसका भी अल्टरनेटर खोल लेना। खोल उसका अल्टरनेटर, देख कैसा है, उसको भी लेके जा। अगर वो अल्टरनेटर सही है तो ये अल्टरनेटर उसमें फिट कर देना, बाई चांस अपने कभी काम आ जाएगा, उसमें फिट कर देना इसको। रिपेयर करने के बाद, सर्विस करने के बाद। सर्विस इसकी क्या करनी है तूने फिर? ये तो सही होगा, खाली यही प्लेट चल जाएगा। ये प्लेट कितने का आएगा? मतलब देख ले पहले, तो इसमें देख ले खर्चा कितना है और उसको भी ले जा साथ में। अगर इसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा, इसमें ज़्यादा खर्चा है कि कम खर्चा है? चालू ही होगा। इसमें सर्विस करना, ये प्लेट डाल देना है बस। तो ठीक है फिर, इसे ही ले जाओ, उसे रहने दे। हैं, इसकी वायरिंग चेक की? वायरिंग पूरा नहीं है, गाड़ी में आज हो सके तो मैं अजगर के पास भेजूंगा, बट इसको अपने को पूरा चेक करना है आगे से लेके पीछे तक, जो भी है इसका अर्थिंग बर्थिंग जो भी है। हाँ, इसकी लाइटें वाइटें सब कंप्लीट करनी है, वैसे अजगर के पास भेजूंगा गाड़ी पे। कौन सा वाला? हाँ वो सब ऊपर ना, आगे नीचे माथे की लाइटें डाल देनी सब, अंदर वंदर लाइटें वाइटें डाल के एकदम कंप्लीट कर देनी गाड़ी। अभी ये चलनी है, वो गाड़ी रिजेक्ट हो गई, अब उसकी चेचिस टूट गई, अपने को वो गाड़ी नहीं बनानी अब, ठीक है? उसकी जगह पे ये जाएगी अब, ठीक है? एक बार देख लो मक्खी वाली लाइट की वायरिंग है। वायरिंग तो डाली थी ना इसकी, देख ले भाई, ऊपर चढ़ के देख ले एक बार। अभी भाई अल्टरनेटर स्टार्टर दे दिया, अभी ये सर्विस कर देगा तो सुबह सुबह ला के फिट कर देगा, और आगे के टायर हब ग्रीसिंग हो जाएंगे तो गाड़ी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। जो बाद में कैबिन का काम बचेगा छोटा मोटा, तो करवाने के लिए गाड़ी सुबह भेज देंगे। निकाल दे क्या सोच रहा है? निकाल दे उसको, क्या करना? किसमें? ये ज्यादा ऊंचा रहता है। हाँ, ये वाला ज्यादा ऊंचा, इतना ही बड़ा लगवाया उधर भी, मगर फिर ये ऊंचा रहता वो नीचे हो जाता, भरती है गाड़ी तो, और खाली होती दोनों बराबर सेम रहते हैं। गाड़ी देख रहा है उधर की साइड झुकी हुई है। हाँ। क्योंकि वो कमानी झुकी हुई है, अभी वो कमानी झुकी हुई है इस वजह से, और उस कमानी के अंदर जितने पटे हैं वो सब डुप्लीकेट हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। डुप्लीकेट पटे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अभी ओरिजिनल पटा होता तो वो इतना बैंड होता, पूरा नीचे घुसना पड़ेगा जाके। अभी ये पटे ही डुप्लीकेट है, अभी ये पटे यॉर्क के ओरिजिनल है, आप उन लोग जो डाले हुए, ये पटे कभी भी टेढ़े नहीं होंगे, मतलब सीधे भी होंगे तो उसी के लेवल में सीधे होंगे। ये पटे देख, अभी ये कमानी बिल्कुल सीधी होके नीचे को हो गई बैंड, कमानी नीचे को बैंड हो जाएगी तो वो कमानी, गाड़ी तेरी लेफ्ट साइड ही झुकेगी, और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, गाड़ी नीचे उतरती है, लेफ्ट साइड कहीं भी उतरेगी गाड़ी रोड से तो नीचे उतरेगी, रोड से नीचे लेफ्ट साइड ही उतरती है हमेशा। लेफ्ट साइड टायर अच्छा और लेफ्ट साइड की साइड कमानी अच्छी, सब अच्छा रहेगा तो तेरी गाड़ी लेवल में चलेगी। कभी भी तू रोड पे जाएगा तो लेफ्ट साइड ही उतारेगा नीचे, राइट साइड थोड़ा उतारेगा नीचे, ये हिसाब है। अभी कोई नहीं, अभी तू खाली करके आ, मैं राकेश को बोलता हूँ वो गाड़ी मंगाएगा, ये कमानी खोल के और आगे वाले एक्सल नीचे कर देंगे, और आगे की एक कमानी यहाँ डाल देंगे, ये कमानी को आगे डाल देंगे, ठीक है? ठीक है, अल्टा पल्टी कर देंगे इसको। तो अपने को चेंज करना पड़ेगा इसको पूरा,
ये भाई बहुत बड़ा, मतलब ये क्या है, कहीं भी पटे टूट जाएंगे, ये चलेंगे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे। जो पटे नीचे को बैंड होने लग गए समझ लो वो गए। इसकी वजह से अपना टायर भी, टायर का भी हो रहा है नुकसान साथ में, पर कोई नहीं, अभी खाली करके आता है तो खाली गाड़ी में इसको उठा के ये कमानी निकाल के दूसरी कमानी, आगे की कमानी यहाँ डाल देंगे, इसको आगे वाले में डाल देंगे फ्री में, तो आगे वाले एक्सल भी नीचे कर देंगे। चलो ये बात अपने को पता लग गई। ओरिजिनल पटा डुप्लीकेट पटे में ये फर्क होता है, ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। और ये बिना डुप्लीकेट, जो लोहा भी ओरिजिनल डुप्लीकेट आता है, अगर डुप्लीकेट लोहा होगा तो ये हाल होगा। अभी देखो ओरिजिनल ये पटा जितने पे है उतने पे ही रहेगा, नीचे को मुड़ेगा ही नहीं। और ये पटा मैं नीचे को मुड़ गया अभी, बताओ। चल भाई यूरिया डाल खाली करके। हाँ हाँ सू कर ले तू, ना लिया क्या हो गया मोटर को? वो गाड़ी नहीं हुई सर्विस? नहीं, वो लाइट कम था ना। लाइट कम था, डिम था, काम खत्म, इसलिए वो गाड़ी भेज दी बाहर सर्विस के लिए। लो भाई अभी ऑफिस पे अपना काम गाड़ियों का खत्म हो गया है, और मनोज भाई जो एक गाड़ी की हब ग्रीसिंग कर रहे थे उसकी भी अभी हब ग्रीसिंग कंप्लीट हो गई, मतलब हब ग्रीसिंग का काम पूरा हो गया, इंजन ऑयल खोल दिया, स्टार्टर वाले अल्टरनेटर भी ले गए। बस अभी सुबह एक गाड़ी का पाइप चेंज करना है और छोटा मोटा सा काम है, और थोड़ा सा काम कैबिन वाले का है, तो वो गाड़ी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर टंकी उसकी हजीरा में खड़ी है, घोड़ा अकेला भेज देंगे, जाके टंकी अपनी जोड़ लेगा बंदा और काम खत्म बस। फिर वो रनिंग, मतलब दिक्कत को यानी पूरा ही काम करवा दिया, खाली जब ट्राली लेके आएगा ना तो उसकी हब ग्रीसिंग ट्राली की एक बार करवा देंगे, और सुरक्षा अपने को करवानी पड़ेगी क्योंकि भाई गाड़ी के ऊपर टंकी चेंज हो जाएगी, तो सुरक्षा करवानी पड़ेगी उस गाड़ी की। तो अभी भाई अपना भी काम खत्म हो गया है, तो अभी निकलते हैं, जा रहा हूँ घर, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मनोज भाई यार काम कर रहे थे, तो मैं भी बैठा था उनके पास, बातचीत चल रही थी, बस ऐसी माहौल बना हुआ था। तो एक ड्राइवर ने खाना बना लिया, तो बोला यार साहब भाई खाना खा के जाना, मैंने तुम बैठे हो इसलिए मैंने खाना बनाया। तो भाई ड्राइवर के साथ बैठ के खाना पीना खा के उनके साथ फिर वहाँ से निकले, और मनोज भाई भी काम कर रहे थे गाड़ी का, तो वो भी निकल गए अभी घर के लिए, और हम भी निकल गए। तो अभी भाई कल मिलेंगे नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, मिलते हैं भाई कल।